अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले हज़ारा नाल में आ तुसां दा मेज़बान इमरान ज़मान। नाज़रीन, अज दे हवाले हज़ारा विच असीं गल कर सकदे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद दी, जिथे एबटाबाद शहर विच जिहड़ा है उह इंतजामिया दी तरफों एक ग्रैंड ऑपरेशन दा जिहड़ा है उह इनकाद कीता गया वे। इस ऑपरेशन विच ज़िले इंतजामिया दा मौकफ है कि हाई कोर्ट दा ऑर्डर है जिसके मुताबिक पुख्ता और आरजी तजावजात शहर दे बाहर जितियां मौजूद हन इन्हां खत्म कीता जुल सी, मगर इंतहाई अफसोस नाल आखसां कि इस दफा फिर जिहड़ा है सब तो पहले जिहड़ा है वह गरीब से ही हाथ पाया गया, जिस विच थड़ा बान और रेड़ी बान जिहड़े हज़रात हन वह मौजूद हन जिन्हां ते उन्हां ए ऑपरेशन का आगाज़ किया, मगर उन्हां दे एहतजाज की वजह तो कुछ घंटे बाद ऑपरेशन बंद कर दिता गया वे। आया कि अगे ये ऑपरेशन मजीद जारी रह सी या ना रह सी, मेरे नाल इत्थे दे लोग मौजूद हो, सुन तुसां दी गल करा सां और तुसां सुणा सां। बहुत शुक्रिया अदा करने के टू टीवी ना, और खास कर ये हज़ारे ने तर्जमान है क्योंकि हिंदू जबान फरोग देने से भी के टू टीवी ने बड़ा हिस्सा वे, और खास कर पटवारी और दीगर पहाड़ी इलाके ने भी। और मैं समझना कि एबटाबाद के जो मसायल हैं सब तो मेन मसायल तो इतने तजावजात हैं, और तुम देखा चलो ये पहाड़ी शहर इस एक स्पेशल प्लानिंग के तहत गोरिया बनाया गया, लेकिन असा ने लोग मुख्तलिफ दफ्तर से मुख्तलिफ मंजूरियां दे के असा वो प्लानिंग बिल्कुल तबाह कर छोड़ी है, असा ने नाले सारे बंद हो गए हैं, असा लोग अपनी मर्जी ने मनमानिया से मुख्तलिफ इलाके मकान जो पहाड़ी इलाके से बनाने अगर पिछले बनाने से किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकना। वक्तन वक्तन जो अदालती हुक्म तो भी ऑपरेशन किया जो बड़ी अच्छी चीज़ें मैं याद है सबका असा ने एसी थे सामा साहब हैं असं भी उस नाल हैं देखिए चीज़ा ऑपरेशन करो तो ऑन ग्राउंड उस तरह करो कि इक्वल करो ना कि चुक पसंद ना पसंद तो किया जुले। मैं देखा अमूमी तौर पर देखे वे ड्रामे के तौर पर मुख्तलिफ बाजारे जुड़ने रेहड़ियों ने चा छोड़िया मुख्तलिफ चौकों से जुड़ने गरीब बंदे हटा छोड़ने यार तुम ना हटाओ अच्छी गल असी ना डकने ऑपरेशन, लेकिन पुख्ता इमारत भी हटाओ ना जी, करोड़ों रुपये ने जिन्हें इन्वेस्टमेंट करके प्लाजे बनाए बिल्डिंगा बनाई उन्हें क्यों नहीं हटाने हो? आम आदमी गरीब आदमी जिसका कोई भी अगे इंसाफ की उम्मीद नहीं उस तो चाह छोड़ने वो बेचारा की कर सी। गवर्नमेंट ने चाहना वे ऑपरेशन तो पहले प्लानिंग बनाओ, बड़े बड़े अफसर जो मौजूद हो दफ्तर से बैठे हैं जो काम करने इन्हें लोगों को मुख्तलिफ जगह इन्हें ठीक बना के दौन इन्हें जगह बना के दो काम करो उस तो बाद गल ना मानो तो फिर ऑपरेशन करो तो ऑपरेशन इक्वल बेस से करो। एबटाबाद के बड़े बड़े नाले बंद हैं इन्हें तजावजात हैं तुम देख लो कोई भी नहीं बोलना पे नालिया उत्ते देख लो असने इतने दुकाना बनी हैं मुख्तलिफ रोड ने हालत देख के हालत है रोड ने कितने खुली जगह लेकिन अज तक बिल्कुल खामोशी है तो इस ना अफसोस ना जाहिर किया जा सकना इक्वल बेस से ऑपरेशन नहीं होना वैसे चूज एंड पिक के सामने उस तो किया जाना ये इस ना अफसोस ना जाहिर एक आम बंदा इस तो बहुत ज़्यादा मुतासर होना गरीब आदमी मुतासर होना कोर्ट ना फैसला सारा रखिया तो असं इतराम करने बिल्कुल होना चाहिए लेकिन कोर्ट तो सब बार फैसला करनी है ना जी ये अद्धे बंद मतलब तो कभी भी कोर्ट नहीं आख्या और नाले इतने बड़े नाले मौजूद है नाले तो लोगों का घर बनाए जा रहे जिसकी वजह से सैलाब आना उसे बिल्कुल खामोशी इख्तियार है पहाड़ी इलाके देखो मकान उसे बनाए दरख्त कट के बनाने पर उसे बिल्कुल खामोशी है तो ये चीज़ है कि इक्वल बेस्ड होना चाहिए ना इंसाफी तो नहीं हो माशा हमेशा इंसाफ उत्ते कायम होने जी। नाजरीन, मेरे नाल एक शहरी मौजूद हो इन्होंने को पूछता कि इंतजामिया की तरफों जो ये ऑपरेशन क्या होता है इस बारे में इन्हों का क्या है? अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझना कि ऑपरेशन बिल्कुल बहुत जरूरी है एबटाबाद होना चाहिए है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोग ने जिन्हें रेहड़ियां लाई दी ने या ठेरे लाए दे ने बेचारे सुबह आते हैं और मंडी भी जो त्रै चार बजे जुड़ के समान आते हैं और उस तो बाद आके दिहाड़ी बेचते हैं सिर्फ उन्होंने खिलाफ ही होना चाहिए मैं तो यही नहीं समझ आती है। फिर जिले इंतजामिया का यही मौकफ है कि जी हाई कोर्ट के हुक्म दें बिल्कुल ठीक है जी मजज अदालतों ने असा हुक्म उन्होंने बिल्कुल ठीक हो सी लेकिन जी पुख्ता तजावजात बनी दी ने जो नाले बंद ने निकासी आप का सिस्टम थोड़े सामने वे कि हालात ने एबटाबाद में पाँच मिनट अगर बारिश होती है तो पूरा शहर सैलाब की शक्ल अख्तियार करके यही एबटाबाद है जिस तकरीबन एक एक महीना बारिश होती है तो कोई सिस्टम नहीं होता इतने बड़े बड़े नाले लगे एन बने दे अंग्रेज दौर में कि एक दो दो महीने भी बारिश हो तो पानी इतना भी नहीं खलता है रोड के रसों की बूट या चपड़ी कोई कोशिश दी लेकिन हूँ इस तरह है कि एक हफ्ते बाद अदा तो कंटोनमेंट को अदा टीमें को और उधर उन्होंने मिली भगत है इधर इन्हों की मिली भगत है अगर बनी ने तो किसी के सामने बनी हो सुन और एक मिनट भी तो नहीं बन गई ना कोई जादू है कि किसी रगड़ा तो सामने बिल्डिंग बन गई है सारी अंताई अफसोस होंगे और हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक छोटे जी प्रोग्रेस शो करने से जिले इंतजामिया जी एसी डीसी एडिशनल पता नहीं 45,000 किस्म का बंदा इतने ऑफिसर बैठे थे मुफ्त की तनखा नहीं देते हैं आके एक महीने भी गरीबों का बेड़ा करो कर छोड़ दें बिल्कुल। दूसरा ये ऑपरेशन जो है उस वे तजावजात खुद ही पाते हैं लोगों का आखना भी है कि असी ना बता देने एक तरह का उस बारे में तुम क्या आखसो? हाँ बिल्कुल, इस तो अलावा देखो इस तरह तो गल मुमकिन ही नहीं कि अगर वो
पी एम एलकार हो या कैंट के अलकार हो और जबजात बनी दी और उन्होंने बंदा लोगों के रबते रबते ना हो या कुछ चीज़ कीमत ना हो बिल्कुल जरूरी है। मैं समझना कि तमाम जितने भी जरूरी नहीं कि बड़े अफिसर जी उन्होंने तरले जी है उसको तरले ने उसको तरले ने कोई ना कोई किसी ना किसी की मिली भगत नाल बत्ता भी जुलता है और उस जबजात बनते हैं फिर उ प्रोग्रेस शो करने से गरीबों के फ्रूट चाह के वो वैना भी छड़ते हैं पता नहीं किधर किधर जाया होंगे यकीन करो कि बड़ा अफसोस होंगे। आला हुकाम इंतजामिया के मैसेज दे सो जी आला हुकाम के मैसेज देने देने के काबिल ही नहीं नगे आदि मैसेज दे क्योंकि सारे जिस तो पिछले पी डी एम की गोरमेंट आई है और ये तो बेताज बादशाह बन गए ने चार आने का किसी जगह भी कोई काम नहीं कोई अफिसर कोई भी डिपार्टमेंट कमिश्नर अजहरा तो कहने के डी सी अफ्टवाद तो कहने के तले तक एडिशनल या ए डी ए दुए तरीन तहसीलदार तक खुदा की कसम कोई बंदा काम करता हो और उन्हें 28 तरीक सैलरी मिलती है और वो अपने इंजॉय करते हैं गड्डिया भी ड्राइवर भी और चौकीदार भी उन्हें मिले देने उन्हें के लगे उन्हें के मैसेज देव इन्होंने तबाह की बेरोक्रेसी मुल्क तबाह किया उन्हें के पैगाम देव असं लोगों उठना पैसे लोगों का जागना पैसे और अफ्तवाद लोग जो ऑन करने असं जागना पैसे ये इंतजामिया की तरफ ऑपरेशन होया कुछ घंटे का ऑपरेशन होया फिर रुक गया इसके बारे में तुम क्या इंतजामिया का ऑपरेशन तो अच्छी गल है कि मुस्तकिल बुनियादा तरह है मगर यह सारा टोपी ड्रामा है जितना भी ऑपरेशन किया इतने ही रेंदे हो इफ्तवाद ही देखते रहो कि कितनी दफा पहले ऑपरेशन होए मुतद्दद दफा होए इस दफा तो उन्होंने एक स्टंट एक कि अदालती हुक्म तो असं किया उन्होंने अदालती हुक्म को एटीएम मशीन बना के दे कितने साल में चार पांच ऑपरेशन होने मुख्तलिफ आर्जी तजावजात उन्होंने रिमूव किया जुलता है फिर उस बाद वो लोग फिर आगे बैठ रहे हैं इसी तरीके से इफ्तवाद जितने चौक चौराहे हैं जितने लिंक रोड को देख के नो एम्पायर रोड को देख के नो दीगर बाजार मेन बाजार को देख के नो ये फॉरे चौक है जिससे भी जिन्हें ऑपरेशन किए इसे भी चाहिए असा डिमालिश किए रोड तो बाद जितने देखो इन्हें आप ठेके का देते थे जिले इंतजामी अफसर तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार जितने भी हैं जो नवा अफसर आंदे ना नवा अफसर आंदा वो पैसे दे के आंदे जर टीएमओ की पोस्ट जी जरा हेवी पोस्ट है वो जल्द पैसे दे के आंदा तो फिर पैसे रिकवर करने वास्ते इन्हें गरीब लोगों तंग करता है और गरीब भी अगो इन्होंने अंदर भी गलती है वो गलती की है कि रोडा थला लाने जिस पिछले दुकान है उस 20,000 किराए देने वो भाई तुम किराया की देंगे उस रोडा का जिस वक्त लाने पिछले दुकान वाले की देंगे और दुकान वाला का खसूसी तौर पर थोड़े वाले बिठाल है 20,000 रुपये उसको किराया कहता है नाल तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का पता जरा भी जुड़ता है इतनी जरा एक ऑपरेशन है इस बच्चे भी आया गया कि नाल पगड़िया भी दी गई अच्छे जो रकम है वो पगड़िया भी अदा की गई है उसका के बिल्कुल इसी जगह भी जी जरा फारा चौक है इस चौक के अंदर ही मुख्तलिफ जो थोड़ा बहन है जिन्हें चाहे तो उन्हें जैसे 5 लाख रुपया पगड़ी दी है और दीगर जिस वक्त तो दुई जिम्मेदार नाल गल हुई उस जी मैं तो कोई किसी पहले पगड़ी नहीं कहती मगर यह हकीकत के अंदर जाहिर है ये भी कूट नहीं आते कूट तो नहीं आते गरीब लोग हैं जाहिर है इन्हें अपने कारोबार करने और दूसरा सब तो बड़ा जुलम यह है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करो गरीब लोगों ने सामान को इस तरीके से चाह के करो जिया कोई गनीमत का माल होता है उसे जोल के होना अपने घर में इस्तेमाल किया किस तरीके का तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामी अफसर उनका सामान इस्तेमाल किया इस्तेमाल इन्होंने लोगों है यतीम खाने नहीं दिता यतीम खाने यतीम खाने मतलब कदे 100 इतने उधवाने इनके चाहे तो उस भी कदे यतीम खाने चाह देते तो 80 कुधर गए 80 का हिसाब तो होना चाहिए मगर यह सब तो मेन फेलियर जरा है जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर इफ्तवाद है मां उसका ना नहीं आता मां ना उसका नहीं आता कि ना है उसका वो मौसूफ जो है मीडिया के आने वास्ते भी बिल्कुल वो आते ना इजाजत ही नहीं उन्हें पता नहीं किसको इजाजत की नहीं इजाजत नहीं जाहिर जिसने था आने तो जाहिर पैसे दे के आने इतना तो जिला इफ्तवाद जो करीम है पैसे के हवाले नाल करीम है राशि अफसर के हवाले नाल करीम है रिश्वत बाजारी चोर बाजारी इस इफ्तवाद के अंदर आम है की आम है कि जो अफिसर ला और कानून के मुताबिक काम कर सी रिश्वत तलब की जुलती है पहले तो आसा कि किसी कलरका कलोरका बाबिया बुबिया जरिए ये चपरासी है जरिए पैसे चाह देंगे ऐसे हम तो अफसर खुद आ देने वाला भाई असन पैसे दो हाल जिस वक्त हो सी जिस जिन डिस्ट्रिक्ट अंदर जिस जाई के अंदर जिस इलाके के अंदर उतों के लोगों का फिर अल ही आफस है और जिस तरीके से ऑपरेशन किए हम चलो जिते जिता ऑपरेशन है देखो मुड़ के फिर उसी जाई सारे कारोबार लगे दे छुट्टी वाले दहाड़ा जो होंगे उस तरह इंतजामी हुक्म
बाकी दीगर हुक्म जो सस्पेंड हो जुलते हैं तो एवं वो आम रूटीन भी होने टीएमए का कोई अहलकार या इंतजामी अफसर जो जुलसी पैसे के अनुसार मुड़ के आ रहे सन फ्रूट आला फ्रूट दें गोश्त आला गोश्त दें दुध आला दुध दें और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तजावजात तो आज के भी मौसम तजावजात हैं और मिलावट आम है और दुध जो है नेचुरल चीज है वो तो संग तुसे डिस्ट्रिक्ट के बाद अंदर रेहड़ियां जिन्होंने 400 रेहड़ी रेगुलाइज की बाकी मकामी तौर पर सियासी समाजी मुख्तलिफ जिहड़ियां तंजीमें उन्हें सारियां चाहिए कि उठन जागन इन्हें लोगों वास्ते और इन्हें लोगों बकायदे जगह दी जाए जिस शहर में अपना कारोबार करें चौक चौराहे ये ऑपरेशन अच्छी गल है ये होने चाहिए ये भी नहीं होने चाहिए इस नाल जो मेगा स्ट्रक्चर बने हैं नालियां तो बने हैं बड़िया बड़िया बिल्डिंगा बने हुई हैं उन बिल्डिंगा भी डिमालिश करना चाहिए अल्लाह जवाहर रहमान भी जगह दे सामा वराइट साहब जो इतना एसी रह के गए जहाज हादसे में एक्सीडेंट में फोत हो गया से अल्लाह उन्होंने वो जान अच्छा करे उन्हें मानसेरा रोड तो सारी बड़ी बड़ी मेगा बिल्डिंग जी ढाई हैं तो हम क्या कर दी इंतजामिया उनके डेथ तो बाद भी कितना अरसा हो गया आज दिन तक इन्हें उस टाइप जो कोई डेवलपमेंटल काम किया वापदा उसी जगह खमे लाद जिले इंतजामिया को बोली है वो उसी जगह भी खमे लग रहे हैं चाह के पीछे लाओ वापदे पेमेंट आई है कौन बोल सी उस जाए कौन काम कर सी ऐसे जिले अफसर काम कर सन अफसर जिसले पैसे कहने के सुते रहे सन तो फिर लोग भी अगो के आओ कौन आ जा रहे यार मेरा काम तेरी ना मेरे प्यू दादे दी ओ भाई तुझसे प्यू दादे दी है ना ये प्राप्ति जी है अतवाद की या अतवाद के चौक चौराहे या जी आम पब्लिक की जगह जी एक आवाम की जगह इस तो आवाम को बोलना चाहिए जिस वक्त तक आवाम निकल सी ना बोल सी ना इनके खिलाफ एहतजाज ना कर सी जिस वक्त तो एक रेहड़ी वाले को टीएमए वाला एहलकार आके पता किन सी वो दस सी ना उस खिलाफ शिकायत ना कर सी तो फिर इंतजामिया भी जी बस जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले अदारे वो भी खामोश हैं वह भी अपने कम घर ही बैठ के कर दें उन्होंने भी चाहिए आम स्पॉट आके काम कर रिपोर्टा मिलन फलाने फलाने चौक चौराहे फलानी जी नाले तो बिल्डिंग बने दी है फलानी जगह जी है वो बिल्कुल कब्जा किए थे की हो क्योंकि उनकी माँ होंगी है सारे की शामिल तो दुआ करो अल्लाह हिदायत दे नाज़रीन जरा बंदा अच्छा काम कर सी उसका ना मरते तो बार भी जरा है तो बाद लोग ऐसे के ना याद रखते हैं जिस तरह उसामा बड़ाई साहब उन्होंने हर बंदा जरा है वो तारीफ करता है अगर कोई अच्छा काम कर सी तो उसकी तारीफ हो सी इतने सिर्फ ऑपरेशन होता है गरीब जड़े रेहड़ीमान उन्होंने खिलाफ ऑपरेशन होता है और अभी दूसरे दिन दोबारा वो आए दे होते हैं कोई खास ऑपरेशन नहीं होता बहुत शुक्रिया के टू चैनल टीवी का देखो जी तजावजात के हवाले नाल जो दो दिनों तो ऑपरेशन लगे दा या और उस पे आर्टिलरी फेडरेशन के जो सदर साहब उन्होंने भी मुदाखलत की है जिस वजह को आरजी तौर पर रोकया है हमेशा जो भी एसी साहब साढ़े आए या डीसी साहब आए या जी जिली इंतजामिया इब्तबाद भी इतनी आई है उसने हमेशा अगर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है वो सिर्फ थड़ेबान और रेहड़ीबाना के खिलाफ किया है ठीक है और इन्होंने ही जो स्टाफ है इन्होंने ही जो मतहत इन्होंने रिलेटिड जो महकमे ने उन्होंने हमेशा ये पैसे कहन के एक कैबिन लाइन ठीक है लखन रुपया में उस वक्त एक कैबिन बिकन और दो चार पांच महीने बाद इन्हें अपनी पॉलिसी चेंज की और उन्होंने लोगों वाले लखन रुपये का नुकसान दिता और उन्होंने कैबिन चाहे और तजावजात दोबारा कायम की गई हमेशा तो रेहड़ी बांध और थड़ा बांध के खिलाफ ऑपरेशन महकमे हमेशा तो करते रहे और मंत्रियां भी यही वसूल करते रहे जिस वक्त कोई अफसर दूसरा चेंज हो जुलता है तो इन्हों की पॉलिसी चेंज हो जुलती फिर वो थड़े पढ़ो नवे सिरों पैसे दो और नवे सिरों नवे लोगों वहां कैंकी आओ और
इब्तबाद की जी इंतजामिया है इसने हमेशा जोड़ा है वह मजलूम से आचा है गरीब रड़ी बांधते गरीब थड़ बांधते इन्होंने आचा है और उन्होंने जो लख रुपये के नुकसान ने उन्होंने केबन उन्होंने जे शाही खुरदनोश ने या जी दीगर जड़िया चीज़ा उन्होंने आई हैं वो चाह के इन्होंने जबत की और कह गए और उन्होंने इस चीज़ तो महरूम किया गया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि पुख्ता जी तजवजात हो उन्होंने हाथ कौन पास है ठीक है पुख्ता तजवजात ना सिर्फ जेड़े ओसामा वड़ाई साहब है अल्लाह मफर उन्होंने करे उन्होंने अलावा इस तो उन्होंने बाद इस तरह का कोई ए सी डी सी एफ बाद भी इस तरह की इंतजामिया का कोई अफसर नहीं आ गया अहलियत रखता हो कि पुख्ता तजवजात के हाथ पाया जुले पुख्ता तजवजात एक माफिया है और इस माफिया तले जड़े बिल्कुल सिरनगू के बैठे थे और क्योंकि इन्हें उन्होंने छेड़ने की जरूरत ही नहीं इन्होंने अपने वो लोग बैठे थे ठीक है इतने बड़ी बिल्डिंगा चल गया और इतने प्लाजे बने दे इन्होंने बस की गल नहीं ठीक है और मंथलियां आदिया ने अपने जोड़ा अफसर भी आंदा है बाद उन्होंने सोने की छिड़ी है ठीक है जोड़ा अफसर आंदा वो खाली हथ आंदा और जो जुड़ते हैं ट्रक ने हिसाब इन्होंने सारा समान जुड़ है और सारिया चीजा इन्होंने जुड़िया अपने जेबे भर के जुड़ते हैं ठीक है और अवाम इब्तबाद की अवाम जी है इब्तबाद के जो ताजर ने या इब्तबाद थड़ा फरोश ने रेड़ी बान ने इंतई जी गुरबत की जिंदगी पर गुजारते और इस महंगाई बेच इस बेरोजगारी के आलम बेच अगर मजीद इन्हें तंग किया जो सी तो जराइम और मनशियात फरोशियां फरोग मिल सी ना कि राह जो वगजार हो सन ये खुद थड़े लुआ दे खुद पैसे कहते हैं और खुद जिस वे कोई दूसरा अफसर आंदा अपन पॉलिसियां चेंज करके और दोबारा तो थड़े दिलवाते हैं इन्ह अफसरान का यह भी आखना है कि जोड़ा ये ऑर्डर है हाई कोर्ट की तरफों आएगा और जी पुख्ता तजावजात उस पर भी अमल उसी आया कि तुम समझते हो कि जो पुख्ता तजावजात उन्होंने भी ये कोई जरा कार्रवाई कर सुन देखो जी मैं तुसा पहले गल आखी इमरान भाई कि पुख्ता तजावजात है इन्होंने बस में ही नहीं गल इन्हों के बस में ही नहीं है गल कि इब्तबाद के कोई डीसी साहिबान इब्तबाद के कोई ए सी साहिबान जड़े ये मैं आखना यह सिर्फ मजलूम के पैर रखने तैयार हो इन्हों का स्टाफ किसी गरीब आदमी होते किसी थले बांधते जरा रेहड़ी रख के बैठता है जरा कोई टमाटर प्याज ला के बैठता है इन्हों का बस उन तक चल लगता है ठीक है और वह भी इन्होंने विली भुगत न बैठे दें अगर वो कोई बैठा था किसी चौक चुराए पर एक कल परसों जो लोगों का ऑपरेशन होया अज वो लोग फिर उस जगह पर बैठ गए ठीक है इब्तबाद खा कोई गली चा किनो का कोई मला चा किनो बेशक वो कैंट कैंट का एरिया क्यों ना आए खा वो टीएमए का एरिया क्यों ना आए इन्होंने मिली भुगत नाल बैठे होंगे ये जेबे भर के इतने जुड़ते हैं इन्हों जुमरात जुड़ती है लोगों की मंथली जुड़ती है ना इन्हें भी नहीं पता था अगली जुमरात कौन अफसर आज उसी इस करके इन्होंने जुमरात मंगाई दी इन्हों मंथलियां जुड़ती और मन नहीं लगता मैं ना समझदा कि पुख्ता तजवजात इब्तबाद की जी टीम है ये उन्होंने हाथ पावे बहुत मुश्किल लगता है ये नामुमकिन गल है कि इब्तबाद के जी पुख्ता तजवजात जेड़े उसामा साहब तो बाद किसी आदमी की हिम्मत नहीं कोई अफसर इस तरह से नहीं देखने में आया कि जेड़ा इस तरह का ये काम कर सी मन लगता भी नहीं बिल्कुल मैं बरमलाए गल आखने से तैयार हाँ कि पुख्ता तजवजात हाथ पाना इब्तबाद इंतजामिया के वास्ते गल नहीं सर इंतजामिया की तरफों जो ऑपरेशन किया गया है तजावजात के खिलाफ इस बारे में तुम्हारा क्या आखना यह जो ऑपरेशन इंतजामिया सुन किया गरीब तबके से ही किया मेरे हिसाब से पूरे बाजार के अंदर तुम फिर के देखो तकरीबन जितने लोग भी मुतासर हो रेहड़ियां टोकरे आए जो मिसाल के तौर पर सुबह लाते शामियां जाके घरें जुलते रहते रोड तो साफ होते होंगे अगर धड़िया मिसाल के तौर पर तजवजात नजर आंदियां बिल्कुल भी आखना नजर आंदियां होंदन धड़िया लेकिन अगर रातियां देखा जाए 10 बजे तो बाद लोग तो नजर आते ही नहीं रेहड़ियां टोकरे आए रोड बिल्कुल साफ होता होंगे कोई तजवजात नहीं होती ये अगर है भी है मिसाल के तौर पर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लोग लाते हैं ला के अपना सोलर बेच के अपने घर टुर जुलते हैं लेकिन इस दौरान यह जरा पूरा एक हफ्ता गुजरा इस बच्चे ईदगाह रोड एम्पायर रोड परे जुलते रहो जी फरा चौक लैंक रोड इतने आए आने के जो कुछ उन्होंने टा लगे टोकरा मिले रेहड़ी मिली है चाह के कह किसी भी नहीं माफ किया फिर मजे की गल हो रही 3 दिन इन्हें ऑपरेशन किया शहर के अंदर मीडिया भी देखा है रिकॉर्डिंगा भी हुई उस समय मेरे हिसाब से जितने लैंक रोड भी होया काफी सारा समान ये लोग गेंद समान गिनने उमे दफ्तर जरा समान आते हैं असा कुछ समान गए पे समान है ही नहीं बदले में उल्टा वो कई लोग आते हैं इंतजामिया के लोग टीएमए के अहलकार बड़े जो अफसरान हैं तो सा माल जो अलबत् यतीमखाने पर भेज छोड़ा है और बाकी जरा रहा है तो उसका कोई पता ही नहीं वो गुजर गया ठीक ठाक लखा रुपये का माल है कोई निकी जी चीजा नहीं है काफी सारी चीजा ही है एक रेहड़ी है कितने की है एक आम बंद पुछ के लो 10 से 15 हज़ार रुपये की रेहड़ी है इंतजामिया चाह के घिन गई है मोड़ के रेहड़ी नहीं मिली रेहड़ी गायब हो गई है कट छोड़िए पंच छोड़िए जो कुछ भी किया
15,000 रुपया उस गरीब आदमी का चला गया। अरे वो 15,000 रुपया किस तरह कमाते हैं जो लेते, किस तरह जमा हो सन 15,000 रुपया? बहुत बड़ी चीज है 15,000 रुपया। इस महंगाई के दौर के अंदर 500 रुपया रोज की बचत करो जी, 15,000 रुपया इससे पूरा महीना कुर्बानी दो, जो 15,000 रुपया जमा हो सी और रेड़ी गायब हो गई है। वो किसी की सब्जी गई है, किसी का फ्रूट गया है, किसी का सामान गया, दुकानों के अंदर बढ़ के गया ना सुन बस दुकानों पर जो भी चीजा चाहिए लोगों खुद देख है कुछ भी नहीं मिले, सारा कुछ गायब हो जाए। किनारे लगे तजवजात इंतजामिया खुद पता है कि नाले ते कब्जा किन लोगों कीता था। असीं लोग सुबह होने मीडिया के लोग हो, चलो मेरे आखने पर किसी टाइम शामिया विजिट करो 9-10 बजे तो बाद आए लोग होंगे नहीं होंगे। अगर असीं होवां फिर तो पुख्तन इन्हों मटाए जुले मकाए जुले, अगर लोग खुद चले जुलते फिर मजदूर गरीब मजदूर तक कहते अलका सिबू हबीबुल्ला हाथ की मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है ठीक है। असि लोग इतने क्यों बैठे थे हैं अलका सिबू हबीबुल्ला हाथ के हाथ की मेहनत करने वाले अल्लाह पाक पसंद कर दे अलका सिबू हबीबुल्ला अग लाल में बैठे थे हैं। असि तो लाल की मजदूरी से बैठे थे कि यार दो दर्जे असा मिल जुलन, लेकिन इंतजामिया वो दर्जे तो दर्जे दूर की गल है, उल्टा असा माशरे में रसवा किता जुलता है जलील किता जुलता है। झूठे तो लमते गल ही ना करते झूठी, शहर 1,000 बंदा सारा रेड़ी बांध टुकरे वाला ठीक है अल्लाह के बंदे 1,000 बंदा मिसाल के तौर पर असि इतने ही रहने हैं। मैं पिछले कहना भी सदीका मसल को मेरी रहायश है, मैं इतने पढ़े बनात स्कूल है 10 जमात मैं कुछ भी नहीं मिले, मेरे लिए ला के इतने रोड उत्ते खल गया, मेरा शनाख्ती कार्ड चेक करो, मेरा एड्रेस चेक करो, मैं आया बाहर दवा मैं इतना हासिल नहीं, मैं थे अपने शहर में दे के दो टोकरे ला के शामिया बचे उसके 1,000 रुपये कहने जमा कि मैं गवर्नमेंट का टैक्स देना हर चीज का टैक्स देना, मेरे भाई जान में कि चीज़ का टैक्स ना देना, वो गैस का बिल आता उस जितना लिखे था मैं देना, वो बिजली के बिल जो आते मैं देना, हर चीज होते अमीन है हर चीज का तस्लीम करना, एक हक मंगना कि मेरे बच्चे उसके बाइजत रोजगार हो, मेरे उसके मेरे जो भरा ने सारे मेरे भरा मैं उन्होंने आवाज हाँ, सारे जितने भी हैं शहर के अंदर गरीब रेहड़िया वाले समझो उन्होंने आवाज है भी बोलती है, फिर अस बाइजत रोजगार चाहते अस बच्चे से शामिल है कुछ कमा के खिंजना अब तो लाल दा यही कि कोई ऐसी चीज की डिमांड हो जिस उत्ते और इस तरह जालमाना किस्म का ऑपरेशन अच्छे 7 दिन हो गए असि लोग सुकून ना सब्जी फ्रूट ना लागते मैं बेचकने हर वे डर लगे रहा है और उसने सारा कुछ चाह खड़सो चाह खड़ा ने मोड़ के ऐसा किसी भी नहीं देना उठे गया तुम आप जुड़ के चेक करो। कुछ टाइम पहले इंतजामिया की तरफ आया गया कि मंडी वास्ते जरा जगह अलाट की गई आया कि वो जगह पता चला कि उधर सुजुकी का ढाबा बन गया उस बारे में क्या? वो असल जगह ने दी थी इतने पहले एक प्लाट है माना किराए होते कह रहा तुम ऐसा माना किराए दसो उस किराए की इस सूरत हल बनी है कि ना आखिर तुम ऐसा महीना 600 रुपये किराया दसो एक रेहड़ी वाला असा मेरा नाम मायदा हुआ तो दफ्तर पे कि मैं खुद मौजूद आया 600 रुपये का एग्रीमेंट हो गया कुछ अरसा गुजरा है तकरीबन 5-6 महीने गुजरे ने एक पार्टी आ गई है ठेकेदारी सिस्टम कि तुम ऐसा फी रेहड़ी वाला जो है 15,000 रुपये महीने का दसो वो 15,000 रुपये से तो उन्होंने ला छोड़ा फिर असं मजबूरी देंदे रहे कुछ अरसा असा 2 साल 3 साल उत्थे कढ़न लेकिन उसे कारोबार बिल्कुल भी नहीं है फ्रंट उत्ते जो 2-4-5 बंदे मखसूस है उन्होंने अला चलता है अला करता है बाकी जो पिछले बैठे होंगे वो हफ्ते ही रहेंगे अगर पिछा नुकसान होया डिफाल्टर होया असं किराए देने जो दें रहे जी गल सच है असल में किराया चढ़ गया इंतजामिया किराए मंगती असं किराए ही ना देखते असं माली तौर देते डिफाल्टर हो गए हैं तो यही नहीं फिर उन्हें क्या किया इंतजामिया आई है सीओ साहब आए उन्होंने ऑपरेशन करके उतों असा रोड उत्ते बाहर कट छोड़े ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਲ ਗਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਚੁਲੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਮਾਛਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਮਾਛਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋ 1,000 ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਰਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਲੇ 2 ਦਰਜੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇੜੀ ਟੋਕਰਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੈਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਚਲ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਥੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨ ਦਿਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਦੇ ਰਹਿਣ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਧਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਾ ਲਾਇਓ ਉਹ ਲੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਸ ਬਚਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹੀ ਆਖਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੱਕਦੇ ਨਾ ਜ਼ਲਮ ਹੀ ਆਖਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੰਜਲ ਦੇਣ ਭੈਰੋ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਰੇੜੀਮਾਨ ਔਰ ਥੜਾਮਾਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਸਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।